आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बुध देवी का ग्रोथ पोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जो पेरू का ग्रोथ पोल का कॉन्सेप्ट वर्सेस बुध देवी का ग्रोथ पोल कॉन्सेप्ट, और बुध देवी का ग्रोथ पोल कॉन्सेप्ट डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो पेरू का दोस्तों जो ग्रोथ पोल था, ग्रोथ पोल पेरू किसको बोलते थे कि जो डोमिनेंट इंडस्ट्रीज है उसको बोलते थे ग्रोथ पोल, या जो प्रोपल्सिव फर्म्स हैं उसको बोलते थे ग्रोथ पोल, या एक इकोनॉमिक स्पेस को ग्रोथ पोल बोलते थे। लेकिन उन्होंने क्या लैकिंग था कि कोई जियोग्राफिकल एरिया को ग्रोथ पोल नहीं बोलते थे। जैसे मान लो कोई सिटी या पर्टिकुलर अर्बन एरिया को ग्रोथ पोल नहीं बोलते थे। तो पेरू को के इस जो कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया बुध देवी, और बुध देवी ने जो ग्रोथ पोल थ्योरी दिया उन्होंने रीजनल आप बोल सकते हो जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक उसको दिया, यानी कि जो ग्रोथ पोल था बुध देवी के अकॉर्डिंग एक जियोग्राफिकल एरिया होती है या एक अर्बन एरिया होती है, जैसे सिटी हो गया, जहाँ पे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज या प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज लोकेटेड है उसको उन्होंने ग्रोथ पोल दिया। तो आप देख सकते हो पेरू का ग्रोथ पोल क्या था कि एक इकोनॉमिक स्पेस की बात करते थे, क्योंकि पेरू एक इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन जो बुध देवी थे वो क्या है जियोग्राफर थे। तो उन्होंने जो ग्रोथ पोल एक जियोग्राफिकल स्पेस को बोला जहाँ पे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है। तो ये रहा दोस्तों डिफ्रेंसेस, ठीक है। और बाकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पेरू और बुध देवी का सेम है, क्योंकि बुध देवी भी बोलते हैं कि जो ग्रोथ पोल होती है यानी जो जियोग्राफिकल एरिया होती है जहाँ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है वो क्या करते हैं पूरे रीजन के लिए डेवलपमेंट का ग्रोथ पोल होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट या बोल सकते हैं एक अलग से एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बोलते हैं कि जो जियोग्राफिकल या ग्रोथ पोल जो होती है जियोग्राफिक एरिया होती है वहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करते हैं उस पोल को डेवलप्ड करने के लिए या उस रीजन का डेवलपमेंट कर लिए। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स उन्होंने तीन टाइप का दिया, ठीक है। पहला एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरनल टू द फर्म, यानी पहले टाइप का जो इकोनॉमिक होती है वो क्या होती है इंटरनल टू द फर्म होती है। दूसरी जो टाइप होती है इकोनॉमिक एक्सटर्नल टू द फर्म एंड इंटरनल टू द इंडस्ट्री। आपको पता होता दोस्तों फर्म एंड इंडस्ट्री में डिफरेंसेस हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। फर्म्स क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, और इंडस्ट्रीज क्या होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो पहला जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक इंटरनल टू द फर्म होती है, ऐसे इकोनॉमिक जो फर्म के इंटरनली हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरा जो होती है इकोनॉमिक एक्सटर्नल टू द फर्म, फर्म के एक्सटर्नल होती है लेकिन इंटरनल टू द इंडस्ट्रीज होती है। फिर इकोनॉमिक एक्सटर्नल टू द इंडस्ट्री बट इंटरनल टू द अर्बन एरिया। तो इन्होंने क्या अर्बनाइजेशन का कौन सा कैसे अर्बनाइजेशन होती है कैसे ग्रोथ पोल डेवलप करती है उसके लिए तीन कॉन्सेप्ट दिया। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहला दो जैसे आपको पता होगा बुध देवी क्या बोलते हैं कि एक ग्रोथ पोल होता है, एक एरिया होती है जियोग्राफिक एरिया होती है वहाँ पे प्रोमिनेंट इंडस्ट्री या फर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला जो है इकोनॉमिक इंटरनल टू द फर्म्स, तो फर्म्स कैसे डेवलप करेंगे जब एडवांसमेंट एंड इनोवेशन होगा सिंगल फर्म्स का, और उसके प्राइस में कट होंगे। जैसे मान लो कोई एक फ्लिपकार्ट ही है या मान लो कोई स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री में यदि एडवांसमेंट होता है कैसे ऑटोमेशन से या कुछ वहाँ पर R&D होती है, अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा उन्होंने एडवांसमेंट करते हैं जो क्या होंगे कि फर्म्स के इंटरनल एडवांसमेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लो वॉलमार्ट में यदि पैकेजिंग ऑटोमेशन होते हैं तो उससे क्या होंगे कॉस्ट कटिंग होंगी और इंटरनल फर्म का एडवांसमेंट होगा। तो ऐसे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो जियोग्राफिक एरिया है उसका भी एडवांसमेंट होगा। तो पहला जो है इकोनॉमिक इंटरनल ग्रोथ फर्म का एडवांसमेंट, फिर ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एक्सटर्नल टू द फर्म हो, फर्म का एक्सटर्नल हो बट इंटरनल टू द इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज के इंटरनली हो। जैसे मान लो लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगा, मान लो एक्सपेंशन होता है किसी भी इंडस्ट्रीज का, मान लो स्टील सेक्टर के एग्जाम्पल लेते हैं, स्टील सेक्टर में जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उसका एक्सपेंशन होता है या स्टील इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ से स्केल पर प्रोडक्शन होने लगेगा। तो दूसरे टाइप का क्या होता है इकोनॉमिक एक्सटर्नल टू फर्म होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन मान लो फर्म्स क्या होते हैं किसी भी मार्केटिंग या ट्रेडिंग वाले
से एक्सटर्नल है बट इंडस्ट्री के लिए इंटरनल है, तीसरे क्या होंगे लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगा। अब देखो दूसरा तीसरा क्या है, इकोनॉमिक्स एक्सटर्नल टू द इंडस्ट्रीज, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इंडस्ट्रीज के एक्सटर्नल होती है बट इंटरनल टू द अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन यहाँ पे क्या है जियोग्राफिक एरिया के अंदर क्या है फर्म्स हैं और इंडस्ट्रीज है। तो पहले में क्या बात की गई थी कि इंटरनल टू द फर्म्स, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो फर्म्स के इंटरनल हो, और दूसरा में क्या बोलते हैं इंटरनल टू द इंडस्ट्रीज, और तीसरा में क्या बोलते हैं इंटरनल टू द अर्बन एरिया। तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो अर्बन एरिया के इंटरनल हो, जैसे मान लो लेबर मार्केट में सुधार लाया गया या यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्सेज बनाया गया तो क्या होंगे, या यहाँ पे अच्छी सुविधा बनाया गया तो क्या अर्बनाइजेशन प्रोसेस में चेंज होगा। जब अर्बनाइजेशन होगी यानी कि अर्बन एरिया बढ़ता जाएगा तो ग्रोथ पोल भी बढ़ेंगे, ग्रोथ पोल के एरिया बढ़ेगा, ग्रोथ पोल के एरिया जब बढ़ेगा तो पूरे रीजन में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा बुद्ध वे बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है पेरू और बुद्ध वे का दोनों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।